ये बेटा हमने लेट करते हैं हर क्वेश्चन को x इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय 92 अंडर रेडिकल 3 127 मल्टीप्लाई बाय 246 रेडिकल 5 हर क्वेश्चन को ऐसे ही आपने लेट कर लेना है x के इक्वल। उसके बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर ये अंडर रूट की फॉर्म में लिखे हुए तो उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन। ये x is equal to 83 multiplied by 92 under root radical में 3 लिखा हुआ है, तो बेटा इसको आप लिखते हैं 1 over 3 divided by 127 multiplied by 246 power में क्या बनेगा 1 over 5। अब आपने taking log दोनों साइडों पे log ले, taking log on both side, हर एक क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा मेरे बेटा, आपने ऐसे ही करना है, taking log on both side log of x और इधर भी log लेंगे, जब इधर log लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 83 multiplied by 92 raised to power 1 over 3 divided by 127 multiplied by 246 whole raised to power 5 और ये ब्रैकेट में आ, ठीक है बेटा। अब आपने ये पढ़ा कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक अगर ये मल्टीप्लाई का साइन है तो प्रसार आता है, जो डिवाइड की फॉर्म में है वो क्या आता है माइनस आता है। तो अब आप यहां पे लिख लें अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, अप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ लॉगरिथम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा लॉग ऑफ एक्स को सेम रहेगा। अब आप एक फर्स्ट वैल्यू के साथ देख लेंगे लॉग 81 3 मल्टीप्लाई का साइन खत्म करके क्या आ जाएंगे प्लस का साइन लॉग 92 होल रेस्ट पावर 1 ओवर 3 जो डिवाइड की फॉर्म में है उनकी जगह पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस लॉग 127 माइनस, बेटा याद रखना है अगर ये नीचे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ ना फिर भी आपने माइनस लिखा है, नीचे जो भी वैल्यू होगी जो भी डिवाइड की वैल्यू होगी वो सारी की सारी माइनस में लिखनी है, वो गलती नहीं होगी। होगा तो यहाँ पे प्लस, देखो बाहर है माइनस, जब यहाँ पे प्लस होगा जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, लेकिन ये गलती करते हो आप लोग, जिसकी वजह से मैं सिर्फ यही कहूंगा आपको कि जो भी वैल्यू नीचे होगी सबके साथ आपने क्या लगाना है बेटा माइनस का साइन लगाना है, माइनस लॉग 246 होल रेज टू पावर 1 ओवर 5। अब आपने लॉग ऑफ एक्स सेम लिखना है, वैल्यू लगाएंगे आप लॉग 83 की वैल्यू देखें आप, अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो भी आपको वैल्यू पता चल जाएगा, अगर आपको टेबल जो बताया है उसी के मुताबिक भी आप कर सकते हैं। लॉग 83 इसकी वैल्यू आएगी 1.9190 प्लस लॉग, लेकिन एक स्टेप आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 83 प्लस, ये जो पार्ट है ये शुरू में ले 1 ओवर 3 लॉग 92 माइनस लॉग 127 माइनस लॉग 246 होल रे, ये जो पार्ट है ये भी शुरू में आ जाएगी 1 ओवर 5, बात क्लियर होगी। अब आप देखें लॉग 83 की वैल्यू लिया ये बेटा 1 ओवर 3 को कुछ नहीं कहना, लॉग 92 की वैल्यू लिखें लॉग 92 आंसर आ रहा है 1.9637 पॉइंट के बाद मैं जस्ट 4 डिजिट लिखता हूं माइनस लॉग 127 की वैल्यू लिखें, लॉग 127 की वैल्यू आएगी 2.1038 माइनस 1 ओवर 5। बेटा मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था आपको तो उसी के मुताबिक देखिए लाइक हमने जो भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पहला क्वेश्चन है जिसके 8 पार्ट हैं उनमें जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपने सबसे पहले काम क्या करना है लेट कर लेना एक्स इक्वल एक्स इक्वल 3 मल्टीप्लाई पे ये मैंने क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7 लिखा है, ठीक है ये मैंने लेट कर लिया एक्स इक्वल। फिर आपने जब आपके पास कुछ रेडिकल की फॉर्म में हो अंडर रूट की फॉर्म में हो तो उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट लाजमी कर लेना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ये जो इसके इंडेक्स पे होता है शोल्डर पे होता है 92 की अंडर रूट 3 उसको आप 1 ओवर 3 लिखते हैं और ये 243 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है इसको आप 1 ओवर 5 लिख देंगे, ठीक वैसा सेम है नेक्स्ट।
फिर आपने टेकिंग लॉग ऑन बहुत सारे दोनों साइडों पे क्या कर देना मेरे बच्चे, लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। अब आपने लॉग लॉगरिथम बढ़ाया कि जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आपने दरमियान में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक। और ये जो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है तो इसके नीचे भी क्या लगेगा, माइनस, माइनस का साइन लगेगा। ये चीज मैंने आपको बता दू, लॉग 83 मल्टीप्लाई का साइन खत्म करके क्या लगाएंगे, प्लस। नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे तो माइनस आएगी। बच्चे कह रहे थे सदी मल्टीप्लाई तो इसकी जगह पे प्लस लगा था। हाँ मेरे बेटा प्लस ही लग रहा था, लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस है ये अंदर वाले का साइन चेंज कर देगा ना, जिसकी वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया वो माइनस साइन चेंज करके 246 होल रेज टू पावर 1 ओवर 5 तक मैंने लिख दिया। ये बाकी सेम लिखा है बेटा। अब आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम में बाकी थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में बाकी जो पार होती है ये शुरू में आ जाती है, ये जो 1 ओवर 5 थी कहां आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। फिर आपके पास लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 83 कैलकुलेटर पे मैंने वैल्यू लगाई लॉग 83 इक्वल टू ये आंसर है। फिर प्लस का साइन मैंने सेम लिखा, लॉग 92 की वैल्यू लिखी, ये माइनस वैसे रहा, लॉग 127 की वैल्यू बेटा मैंने ये लिख दी। पास समझ आ रही है मेरे बेटा। फिर आप माइनस का साइन लिखा, 1 ओवर 5 लिख दिया, लॉग 246 कैलकुलेटर के मुताबिक लॉग 246 की वैल्यू ये आ गई। अब आप 19637 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, 2.3906 को 5 पे डिवाइड करेंगे ये आंसर है। इन सबको मैंने प्लस माइनस किया मेरे बेटा। अब आप कैलकुलेटर पे देखिए आपका आंसर आया -8.4 × 10⁻³। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं -0.0084। बात समझ आ रही है, मैंने साइंटिफिक नोटेशन को रिमूव कर दिया, माइनस का मतलब है उधर चेंज लेके ना रखे, एक आ रहा था 2-0 मैंने खुद से लगा। इसी का अगर आप एंटी लॉग ले इसका ले ले तो भी आंसर आएगा शिफ्ट लॉग, आंसर आएगा 0.9808। यही आपके पास आंसर है। आगे आपके कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बिल्कुल डिटो कॉपी सेम है, जस्ट उनमें स्टेटमेंट बनी हुई है, मैं स्टेटमेंट बनाने सिखा देता हूं आपको, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए पहले सवाल में लिखा हुआ है गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी होल रेज टू पावर एल इज इक्वल टू सी। इसमें आपने वैल्यूज दी हुई है, उसने कहा सी की वैल्यू फाइंड करें, पी की वैल्यू 80 है, वी की वैल्यू उसने दे दी है मेरे बेटा 3.1 और एन की वैल्यू 5/4 इज इक्वल टू सी। आपने सेम वैसे ही लेना है टेकिंग लॉग और बोथ साइड 83.1 raised to power 5/4 is equal to log c। उधर x find करना थे, इधर log c find करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं। log 80 मल्टीप्लाई का साइन खत्म करके क्या लगाते हैं बेटा, प्लस का साइन। पार कहां आती है, शुरू में आती है 5/4 log 3.1 is equal to log c। इनको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, उसका फिर आप क्या कर लेंगे मेरे बेटा, एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे। सेम केस क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैल्यूज दी हुई है आपको, उसने प्राइस बता दिए 18, पी की जगह पे आपने 18 लगाना है, बाकी सारा का सारा सिंपलीफाई करना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करवा देता हूं, बाकी तो मेरे बच्चे खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। पी इज इक्वल टू लिखा हुआ 95 रेज टू पावर -Q/10। पी की वैल्यू उसने इसी स्टेटमेंट के एंड पे देखिए 18 दे दिया प्राइस, क्यू फाइंड करना है, 90 वैसे रहा, 5 रेज टू पावर -Q/10 वैसे रहा। टेकिंग लॉग log 18 log 90 इनटू 5 रेज टू पावर -Q/10 सिंपलीफाई कर लेंगे मेरे बेटा। log 10 18 की वैल्यू लिख देंगे यहां पे, log 18 की वैल्यू आ जाएगी, log 90 प्लस log 5 रेज टू पावर -Q/10। log 90 तो आया होगा, ये पार कहां आ जाएगी, जीरो। आपने पार को एंड तक रखना है, बाकी सब वैल्यूज को इधर ले जाना है, आखिर पे क्यू की वैल्यू वहां से आपने फाइंड आउट कर लेनी है, तो क्यू की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, ये भी याद रखना है, ठीक है बेटा। अब आपने इसके मुताबिक इसको सिंपलीफाई कर लेना क्वेश्चन को और आंसर करके फिर मुझे बता देना है, ठीक है मेरे बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में से और 5 में से क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकता हूं, बाकी आप इसको आंसर आप लोग खुद करेंगे। v की वैल्यू बेटा देखें, वैल्यू दी हुई है 1/3 πr² h, जबकि पाई की वैल्यू भी दी हुई है, आर की वैल्यू भी है और h की वैल्यू, v फाइंड करना है। v इज इक्वल टू 1/3 πr² की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू दी हुई है मेरे बेटा 2.5 और h की वैल्यू भी दी हुई है 4.2। अब आपने सेम वैसे ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग v इज इक्वल टू लॉग ये
सारी वैल्यू एक दफा ऐसे ही लिख लें 22/7 2.5 रेस होल रेस टू पावर होल स्क्वायर इनटू 4.2 बेटा अब आप अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिथम देखिए अप्लाई करें लॉग 1 तो डिवाइड हो रहा होता है उसकी जगह पे क्या लगाते हैं माइनस लॉग 3 अब आगे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में क्या लगाते हैं प्लस का साइन लॉग 22 3 डिवाइड हो रहा है माइनस करेंगे फिर प्लस हो रहा है बच्चे प्लस 2.5 ये जो पार है ये मैं शुरू में लिख देता हूं फिर प्लस लॉग 4.2 इन सब की वैल्यूज कैलकुलेटर के मुताबिक आपने टेबल के मुताबिक आपने लगा देनी है फिर उसके मुताबिक आपने क्या करना है आंसर आ जाएगा यहां फिर एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लॉग उधर जाके क्या बनेगा एंटी लॉग और यहां पे इसकी वैल्यू लिखनी है और वी का आंसर निकाल देना इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 भी कंप्लीट होती है अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज देखें तो इसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 और एक बात और बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 74 पेज क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन वाइज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने लाजमी करने हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़